जय हिंद दोस्तों। आइए एक छोटी सी वीडियो में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है और केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं दोस्तों ये होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। इसके शब्द को देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति अर्थात वह चीज़ जिसके अंदर एक केंद्रीय प्रवृत्ति हो, मतलब एक कोई केंद्र की बात की जा रही है। वास्तव में होता क्या है, उस बिंदु या मूल्य को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं या मूल्यों का जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब समझिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का यहाँ पे ये लिखा है कि इसका मतलब वो होता है कि वह मूल्य या वह बिंदु जिसके आसपास अन्य बिंदुओं या मूल्यों के जमा होने की प्रवृत्ति होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप या फिर सांख्यिकी माध्य कहा जाता है। अब इसका मतलब और समझिए थोड़ा सा आसान शब्दों में। अब संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रीय होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, संकेंद्रीय होने की। अब आप जरा यहां से समझिए इस चीज को। यह है देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए वैसे तो कई संख्या की माप है, किंतु सबसे ज्यादा प्रचलन में तीन है। कौन सा? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब इसमें होता क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी क्लासरूम में बच्चों को गणित में इतने मार्क्स मिले, एक किसी को 100 में 70 मिले, किसी को 80 मिले, किसी को 60 मिले, किसी को 55 मिले, और आपको ये पता करना है कि इस क्लासरूम के बच्चों के गणित पढ़ने की क्षमता कैसी है। अगर आपसे प्रिंसिपल ये पूछता है कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो गणित में किस योग्य है, तो क्या आप कहेंगे कि रमेश को 70 मिले, सुरेश को 80 मिले, जैद को 50 मिले? क्या आप उनको एक एक नाम करके बताएंगी? आप बता देंगे कि नहीं सर, हमारे क्लास में बच्चों का मैथ अच्छा है, क्योंकि हम औसतन अगर हम बात करें तो सबको 65 मिले हैं। ठीक है, तो ये औसतन, ये माध्य निकालना क्या हो गया, हमने एक बिंदु या एक केंद्र बता दिया। अब प्रिंसिपल समझ जाएगा कि चलो ठीक है, अगर औसतन 65 मिला है तो कुछ बच्चे को 65 से ज़्यादा मिलेगा, कुछ 65 को से कम मिलेगा। अर्थात आपने सबको ना बता के एक छोटा दायरा और सीमित कर दिया और संकीर्ण कर दिया और एक केंद्र बता दिया, कि प्रिंसिपल समझ जाएगा कि चलो भैया इसी केंद्र के आसपास ये चीज़ें क्या हैं होती हैं। समझ में आ गई बात? अब आइए इसकी दूसरी एग्जांपल देते हैं। आपके गांव में कितनी बारिश हुई इसका सर्वे करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सुबह इतनी बारिश हुई, फिर थोड़ी सी कम बारिश हुई, दोपहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर कम बारिश हुई, फिर इस प्रकार से आपके गांव में बारिश हुई। अब आपको इसका डेटा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका औसत निकाल लेंगे कि औसतन कितनी बारिश हुई। आपने एक केंद्र मान लिया, आप समझ जाएंगे कि चलो भैया इसी के आसपास इसकी बारिश हुई होगी। समझ में आ गई बात? तीसरा मैं एग्जांपल दे दूं। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस करने वाला है, एक दिन 100 रुपये का बिजनेस करता है, अगले दिन 200 का बिजनेस करता है, अगले दिन केवल 50 रुपये का, 25 रुपये का बिजनेस करता है, तो अगर कोई उससे पूछे कि भैया आप कितने का बिजनेस करते हो, तो वो ये नहीं बताएगा कि संडे को 50, मंडे को 50। वो क्या करेगा, इन सभी का माध्य निकाल लेगा और बता देगा कि हाँ मतलब महीने का ठीक ठाक मेरा 4,000, 5,000, 10,000 का धंधा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसी माप का, इन्हीं चीज़ों की गणना करना, इन्हीं चीज़ों का माप करना केंद्रीय प्रवृत्ति माप होता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति होता है कि संख्यात्मक तथ्यों एवं मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रीय हो जाना। ठीक है, संकेंद्रीय होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति माप किसे कहते हैं, उस बिंदु या मूल्य को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं या मूल्यों का जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्रीय बिंदु कही जाती है। अब इसे सांख्यिकी माध्य भी कहे जाते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे परीक्षा में पूछता है, कई बार पूछा गया, मैं आइए आपकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखिए, ये आपके अवध विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंड ईयर में पूछा गया है कि आप केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। लॉन्ग में पूछा है दोस्तों, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के महत्व बताइए। ठीक है, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति से वर्णन करिए, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही है। अब आपसे प्रश्न, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो आपने लिख दिया अपने शब्दों में जो आपको बताया गया कि संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रीय होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया? किसी मूल्य के आसपास संकेंद्र कर देना। ठीक है,
केंद्रीय प्रतीक मार्ग के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उस बिंदु या मूल्य को जिसके आसपास अन्य बिंदु या मूल्यों का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है संकेंद्रीय प्रवृत्ति की माप या संकेंद्रीय कहलाती है। अब आपने ये लिख दिया, अब थोड़ा सा आप इसको एग्जाम्पल दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर किसी कक्षा में छात्रों द्वारा किसी विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक, किसी क्षेत्र विशेष में औसत वर्षा ज्ञात करनी, या किसी कारखाने का औसत उत्पादन, या किसी फर्म फैक्ट्री या किसी स्थान विशेष कार्य करने वाले कर्मचारियों की औसत आय ज्ञात करनी हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हम निकालते हैं। ठीक है, ऐसे आपने उदाहरण दे दिया। ठीक है, चलिए, या फिर इसकी उपयोगिता कहाँ होती है तो हमने यहाँ लिख दिया। इसकी गणना किस कार्य में की जाती है तो हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। अब इसके बाद आसान से शब्दों में अगर आप कह देंगे, एक सरल शब्द में कहेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण मतलब छोटा कर देता है। जहां पहले आपने देखा कि एक डेटा हमारे पास बना हुआ है कि उन्होंने मैथ में जैसे किसी रमेश ने 55 पाया, सुरेश ने 65 पाया, ये पूरा माप दिया, लेकिन आपने क्या किया उसको संक्षेपण कर दिया, छोटा कर दिया। जो सरल शब्दों में क्या हो गया दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए इसके केंद्रीय प्रवृत्ति माप के बारे में, केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए अब कितने प्रकार के होते हैं या कैसे होते हैं वो तो हमने देख लिया। वैसे तो कई संख्याएं माप है, किंतु सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सा, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, चलिए इसके एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा अगर याद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। लेकिन हाँ, फॉर्मूला लिखने से नंबर और ज़्यादा मिलते हैं। तो माध्यक, माध्यिका और बहुलक में संबंध लिख दीजिए कि बहुलक इज टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, चलिए, बहुत सही। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, एक और चीज़ देख लेते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा के बारे में, एक ऐसा अंग जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है, ठीक है, और उसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, यह परिभाषा केंद्रीय प्रवृत्ति की सिम्पसन एवं काफका ने कहा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित पर, कहने का मतलब वही बात है, ये एक ऐसा मूल्य है जिसके प्रति अन्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, केंद्रित होती है। समझ में आ गया, वही बात है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं। बिल्कुल आसान से तो मैं समझ आ गया। अब आइए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के उद्देश्य और कार्य बता दें, मतलब इसको क्या क्या इसमें किया जाता है। देखिए, आपने बताया इसे सूक्ष्म और सरल रूप से प्रस्तुत करना, लक्षणों का परस्पर तुलना करना। ठीक है, अब तुलना भी हो जाता है इसमें, जैसे एक क्लासरूम के बच्चों ने मैथ में औसतन 65% पाया, दूसरे क्लासरूम के बच्चों ने औसतन 75 पाया, तो समझ में आ जाएगा ओहो ये क्लास के बच्चे मैथ में ज़्यादा तेज हैं। ठीक है, संख्याकियों का विश्लेषण हो जाता है, नीति निर्धारण एवं अनुशासन में प्रयोग, गणितीय संबंध का पता करना, ये उसके क्या हो गया दोस्तों, उद्देश्य और कार्य हो। समझ में आ गया दोस्तों, तो चलिए अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आसान से छोटे शब्दों में आप इस शब्दों को लिख लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके उदाहरण सहित केंद्रीय प्रवृत्ति का हमने माप लिख दिया। माप के बाद हमने इसमें दोस्तों उदाहरण दे दिया, इस प्रकार से उदाहरण दे दिया, फिर हमने इसको एक सरल शब्दों में परिभाषा दे दी, फिर उसके बाद हमने केंद्रीय परिभाषा के बता दिए कि कौन कौन से होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन दोनों का संबंध लिख दिया, इन तीनों में क्या संबंध होता है, और फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ परिभाषा दे दी जो विद्वानों ने कहा था, फिर भी आसान वही शब्द में, फिर उसके बाद हमने इसके उद्देश्य और कार्य बताए। अगर इस प्रकार से लग दिए तो समझिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में आपने बहुत अच्छा लिख दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी आप हमें कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान है, इतना सोचने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप कमेंट में क्वेश्चंस भी बता सकते हैं कि आगे मुझे किस पर वीडियो बनानी है। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, मुझे इसका इंतजार है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।